हेलो दोस्तों, आज मैं बना रही हूँ आम की खट्टी मीठी लौंगी। लौंगी बनाने के लिए सबसे पहले खड़े मसाले को हल्का सा भून लें। उसके बाद कढ़ाई में सरसों का तेल डालें, थोड़ा सा खड़े मसाले डाल दें, उसमें कटे हुए आम को डालें और थोड़ी देर तक फ्राई कर लें। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता है, बस थोड़ा सा पक जाए उसके बाद इसको निकाल लें। इसके बाद कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डालें, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल दें। गुड़ जब तक पके तब तक हम लोग खड़े मसाले अच्छे से कूट लेते हैं, दरदरा कूट लेते हैं इसका। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ये मसाला को मैंने पीस लिया है, अब एक कटोरी में निकाल लिया है इसको। गुड़ गल चुकी है, अब थोड़ा सा चीनी डाल देंगे इसमें। चीनी भी गल चुकी है, थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद पिसा हुआ मसाला इसमें डाल देंगे। इसमें एक लाल सूखी मिर्च डाल देंगे, नमक डाला थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अब फ्राई किया हुआ आम इसमें डाल दें, थोड़ी देर पकाए इसको, लगभग 2 से 3 मिनट पका लेंगे। थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा तो उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब आम की खट्टी मीठी लौंगी बनकर तैयार है। खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, एक बार ज़रूर ट्राई करें।